नमस्कार फ्रेंड, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हम लोग अगले कंपोनेंट अपने अगले टॉपिक के ऊपर आए हैं कि आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रांसफार्मर एक कंपोनेंट लगा होता है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ये हमारे बोर्ड में ये लगा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर हमारे जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में लगा होता है। इसके ख़राब होने से हमारे मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि नेटवर्क संबंधित प्रॉब्लम आती हैं या सिग्नल संबंधित प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क ना आना, वाईफाई ना काम करना, ब्लूटूथ ना काम करना, एज इट इज ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। ट्रांसफार्मर का तो काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिलहाल अगर मोबाइल फ़ोन के लाइन में या मोबाइल फ़ोन की दुनिया में देखा जाए तो ये सिर्फ नेटवर्क तक सीमित है और नेटवर्क सेक्शन में ही इसका यूज होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसके माध्यम से सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इस तरीके से टेक्निकली ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर हम लोग टेक्निकली कोर्स सिखाते हैं। ये कोर्स मात्र 45 दिन का होता है। 45 दिन के अंदर हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, छोटे बड़े करके जितने भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, उन सभी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और सभी में से जो कंपोनेंट में से एक हमारा जो ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स लगा होता है तो उसको हम लोग नेटवर्क सेक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कितने टोटल कंपोनेंट लगे होते हैं, मतलब 7, 14, 15 कंपोनेंट लगे होते हैं। ये सारे कंपोनेंट मिल करके ही हमारे पूरे मोबाइल फ़ोन को चलाते हैं। एक एक करके हम जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो हम लोग जो सीखने वाले हैं, वो हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में सीखने वाले हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर के ऊपर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो सप्लाई या सिग्नल पास करता है। इसका काम होता है मोबाइल फोन में फिलहाल सिग्नल को पास करना। क्या पास करना, सिग्नल पास करना। मतलब हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो सिग्नल आते हैं उन सिग्नल को हमारा ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, पास करता है। अब बात करते हैं इसका रियल शेप। रियल शेप का मतलब होता है बनावट, डिजाइन, आकृति, वो दिखने में कैसा होता है। इसका जो रियल शेप होता है, इसमें 6 पिनें होती हैं, इसमें एक ब्लैक कलर का डॉट होता है और इसकी पूरी जो वर्ड बॉडी होती है पूरी बॉडी व्हाइट कलर की बॉडी होती है, व्हाइट कलर की बॉडी होती है, ब्लैक कलर का डॉट होता है। इसका डिनोटिंग लेटर टी होता है सिंबल, निशान इसका इस तरीके से, इसका ऐसे इसका निशान होता है। इसका वर्क होता है अपने मोबाइल फोन में सिग्नल
पास करना, इसका काम होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में सिग्नल को पास करना, मतलब जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सिग्नल आते हैं उन सिग्नल को ये पास करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे इसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब इसकी चेकिंग कैसे करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर आमने सामने की पिन में बीप आए तो ओके। फॉल्टी बीप ना दे तो खराब है। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर आमने सामने की पिन में बीप आए तो सही है। इसे जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो चेक करने पर आमने सामने की पिन में, मतलब मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करेंगे, बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो आमने सामने की पिन में बीप आए तो सही है। अगर आमने सामने की पिन में बीप आएगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो क्या है, खराब है। जब आप इसको चेक करेंगे तो आमने सामने की पिन में बीप आने पर सही है, बीप नहीं देता तो खराब है। अब देखिए काम कैसे करता है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर हमारे मोबाइल फ़ोन में लगा होता है ये काम कैसे करता है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से एंटीना का सेक्शन होता है। एंटीना का सेक्शन से सिग्नल फिल्ट चलता है, गोल्डन कलर का एंटीना लगा होता है, फिर सिग्नल आगे चलता है तो फिर आगे कंपनी ट्रांसफार्मर लगा देती है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ये सिग्नल को लेता है और इस सिग्नल को अपने अंदर से क्या काम करता है, फिल्टर करता है। वो फिल्टर होता है, वो सिग्नल दूसरी तरफ निकल जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, फिर ये सिग्नल आपके चले जाते हैं आईसी के अंदर, तब आपके मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से नेटवर्क आते हैं। अगर तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में ये जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है डिपेंड करता है ये कौन से सेक्शन में लगा है, ये तुम्हारे वाईफाई सेक्शन में लगा है, ब्लूटूथ में सेक्शन में लगा है, नेटवर्क सेक्शन में लगा है, कौन सा सेक्शन में लगा है। अगर जिस सेक्शन में लगा होगा अगर ये खराब हो जाएगा तो जो हमारे जो सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल को ये आगे की तरफ ऐसे पास नहीं करेगा। तो जब सिग्नल आगे की तरफ पास नहीं करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसफार्मर को हटा देंगे। ट्रांसफार्मर हटाने के बाद हम लोग ट्रांसफार्मर पर ऐसे जंपर मार देंगे, जैसे जंपर मार देंगे तो हमारा सिग्नल डायरेक्ट यहाँ से आएगा और आईसी तक चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर के बारे में, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि प्लेट में कैसे दिखाई देता है, बोर्ड में कैसे दिखाई देता है। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो सप्लाई को पास करता है, सिग्नल को पास करता है, रियल शेप या व्हाइट कलर की बॉडी में होता है, ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट पाया जाता है। कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे आते हैं जिस मोबाइल फ़ोन में ये ब्लू कलर का भी होता है, ये बॉडी ये जो डॉट होता है ये ब्लैक की जगह ग्रे कलर का भी डॉट होता है। तो टेस्टिंग होती है कि इसको जब आप टी डिनोटिंग लेटर होता है, ये सिंबल होता है, इसका काम होता है सिग्नल को पास करना। टेस्टिंग होती है मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर अगर आमने सामने की पिन में बीप आती है तो सही है, बीप नहीं आएगी तो खराब है, बीप ना दे तो खराब है। ट्रांसफार्मर खराब होगा तो आप उसको हटा करके चेंज कर दीजिए, उसकी जगह पर मोबाइल फ़ोन के लाइन में फिलहाल जंपर मार देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्लेट में दिखाता हूँ। अगर आप बोर्ड में बात करेंगे तो देखिए मेरे पास रेडमी का मोबाइल फ़ोन है और रेडमी का मोबाइल फ़ोन के अंदर ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये जैसे हमारा जो मोबाइल फ़ोन का जो सेक्शन दिया हुआ है ये अपना वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन है,
तो यहाँ से जो हमारा जो नेटवर्क का सिग्नल आएगा तो पहले यहाँ पर आएगा, यहाँ से होते हुए इस पर जाएगा, इससे होते हुए ट्रांसफार्मर पर जाएगा, ट्रांसफार्मर से होते हुए आईसी के अंदर चला जाएगा। ये आपका जैसे मान लिया वाईफाई का सेक्शन है, ये नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ से आएगा, यहाँ से होते हुए ट्रांसफार्मर पर जाएगा, ट्रांसफार्मर से होते हुए आईसी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, जो मोबाइल फ़ोन में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो नेटवर्क के लिए यूज होता है। अगर इसके ख़राब होने से मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क संबंधित प्रॉब्लम आती हैं या कई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिनको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफार्मर कैसे दिखता है और ट्रांसफार्मर के ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको जो ट्रांसफार्मर के बारे में बताया है कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसको चेक करने का तरीका क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में आपको सिखाया है, आपने ट्रांसफार्मर के बारे में आपने सीखा हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमको मैसेज कर सकते हैं, या आप अगर किसी चीज़ से संबंधित अगर कोई और वीडियो जानना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं या हमारे से आप जो भी मदद लेना चाहें आप हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर आप मोबाइल इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हैं या आपको बहुत सालों से काम करते करते हो गया, पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट तरीके से जानकारी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स भी सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें पूरा हार्डवेयर होता है, पूरा सॉफ्टवेयर होता है, MMC प्रोग्रामिंग होता है, पूरा चिप लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि आप मोबाइल फ़ोन के अंदर चाहे उसमें लॉक खोलने से लेकर के चार्जिंग जैक डालने से लेकर के आईसी लगाने से लेकर काम्बो टच ग्लास चेंज करने से लेकर के डेड फोन को रिपेयर करने से लेकर के अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो उन सब चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आप रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जुड़े रहें, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो मैसेज करें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.